Hello students, yesterday we have discussed about the morphological and anatomical evidences of the evolution. Yes, ki morphology aur anatomy ke basis pe humne padha tha homologous, analogous aur vestigial organs. Waise hi evidences of evolution mein aaj hum padhenge embryological evidences, embryology, embryo. Do you remember the term embryo? Yes, when the male and female gamete fuses with each other, then zygote form. Aur usi zygote se kya banta hai hamare paas? Embryo. That zygote get converted into embryo through the various stages. Aur embryo banne ki study, LOG by word, I already told you. लॉजी वर्ड जहाँ आ जाए उसका मतलब टू स्टडी. उसी एम्ब्रियो बनने की स्टडी को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी. और इसके बेसिस पे इवोल्यूशन को डिफाइन करना आपके पास किसके अंडर आएगा? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर. तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है आपके पास? इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू यंग वन. एक फर्टिलाइज्ड एग मीन्स जायगोट. इस जायगोट से कंप्लीट नया यंग वन, यही एम्ब्रियो आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर बेटा? कंप्लीट न्यू यंग वन के अंदर, न्यू बेबी के अंदर. इस जायगोट से, फर्टिलाइज्ड एग से कंप्लीट यंग वन बनने के लिए जो बीच में एम्ब्रियो की जितनी भी स्टेजेस हैं वो सारी आप किसके अंडर पढ़ोगे? एम्ब्रियोलॉजी के अंडर. ठीक है, तो इस एम्ब्रियो की स्टडी के बेसिस पे आप कैसे बता सकते हो कि इवोल्यूशन हुआ है? ठीक है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे. Study of embryology of different animal group shows structural similarity between them. अगर आप अलग अलग animal group के, अलग अलग animals की early stages पे embryo की study करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि वो सारे कहीं ना कहीं similar हैं. मतलब अर्ली स्टेजेस पे तो आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, यू आर अनेबल टू डिफरेंशिएट. आप पहचान ही नहीं सकते कि वो एक रैबिट का है, लॉयन का है या फिर बर्ड का है, एम्ब्रियो है किसका. मतलब इतनी सिमिलैरिटी है. और यही सिमिलैरिटी आपको कहीं ना कहीं क्या शो करती है कि हमारा जो कभी कॉमन एंसेस्टर रहा होगा. ओके, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ डिफरेंट एनी ग्रुप शोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन देम. उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है. The early embryo of all the vertebrates resemble in shape and structure. जो early embryo, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि आप early embryonal stages देखोगे तो आपको पता चलेगा कि early जो embryo है आपका वो बहुत सारी stages में, shape, structure में क्या है, शुरू की stages तक बहुत ज़्यादा similar है. जैसे जैसे growth बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि they belongs to different group, different species. For example, if we take the resemblance of early embryo of fish, Tortoise, rabbit and human. आपने सब देखा है, इनमें सब अलग अलग हैं मॉर्फोलॉजी में. मतलब अडल्ट स्टेज में आप इजीली अलग अलग सबको पहचान पाते हो, लेकिन इन सब के अगर आप एम्ब्रियो देखो अर्ली स्टेजेस पे, सो क्लोज, वो इतने ज़्यादा सिमिलर लगते हैं कि आप उन्हें पहचान नहीं सकते कि कहाँ कौन सा क्या लाई कर रहा है, कि कौन सा किससे बिलोंग कर रहा है. इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है. The similarity among the embryo shows that all vertebrates have evolved from same ancestor. और यही similarity प्रूव करती है कि कहीं ना कहीं सारे जो organism हैं, मतलब vertebrates हैं, do you remember the classification pattern? हमने क्लास में डिस्कस भी किया था Porifera, Lentrata, सारे जो members हैं उनमें एक हमारे पास आया था Chordata. Chordata में थे आपके पास subphylum Urochordata, Cephalochordata and वर्टीब्राटा. तो वर्टीब्राटा के जितने भी मेंबर्स हैं अर्ली स्टेजेस पे, उन सब के एम्ब्रियो क्या है? सिमिलर. और वही सिमिलैरिटी आप क्या रिप्रेजेंट करती है आपके पास? वही सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं एंसेस्टर क्या रहे हैं? कॉमन. दिस ऑब्जर्वेशन प्रपोज्ड अ लॉ ऑफ बायोजेनेटिक. इस सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे क्या चीज सामने आई? वो था बायोजेनेटिक लॉ. ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ दिया था बेटा किस साइंटिस्ट ने? अर्नेस्ट हेगल ने. इफ समवन आस्क्स टू यू हु गेव द बायोजेनेटिक लॉ, देन द आंसर इज अर्नेस्ट हेगल. और लॉ ऑफ बायोजेनेटिक कहता क्या है? है क्या इसका मीनिंग? दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी.
ठीक है, ऑन्टोजेनिक इसे रिपीट कर रही है फाइलोजेनी को। एक बार समझिए आप मीनिंग, ऑन्टोजेनिक का मीनिंग क्या है। ऑन्टोजेनी मीनिंग इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल। ऑन्टोजेनिक का मीनिंग क्या हो गया है आपके पास बेटा, कि एक इंडिविजुअल की लाइफ हिस्ट्री। और फाइलोजेनी मीनिंग क्या है आपके पास, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर। समझिए दो बातों को, एक कह रहा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल और एक कह रहा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर। आप एक बार खुद का एग्जाम्पल लीजिए, जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ आप बिल्कुल छोटे इन्फेंट थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, प्यूबर्टी एज में आज हैं, अडल्ट होंगे, ओल्ड एज में जाएंगे, यही स्टेजेस आपने कवर की हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, कभी वो भी इन्फेंट स्टेज में थे, धीरे धीरे बड़े हुए, प्यूबर्टी एज में भी आए, अडल्ट भी हैं, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर इन्हीं स्टेजेस से गुजरे हैं, सबके लिए क्या है, द स्टेजेस आर कॉमन। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यही कह रहे हैं ना हम। ऑन्टोजेनी क्या है, एक इंडिविजुअल की लाइफ हिस्ट्री, और फाइलोजेनी क्या है आपके पास, एंसेस्टर की लाइफ हिस्ट्री। मतलब एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो जो स्टेजेस आई हैं वो रिपीटिशन है अपने एंसेस्टर्स की स्टेजेस का ही। ओके, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की लाइफ में जितनी भी स्टेजेस में से वो गुजर रहा है, उसके पेरेंट्स जो एंसेस्टर हैं वो उन्हीं स्टेजेस में से गुजर चुके हैं। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, आज हमारी जो लाइफ हिस्ट्री है वो वही स्टेजेस में से जा रही है जहाँ कभी हमारे एंसेस्टर गए थे। द लॉ ऑफ बायोजेनेटिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे हमें पता चला बायोजेनेटिक लॉ जो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। यू हैव टू कीप इन माइंड द मीनिंग ऑफ द ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी। इफ यू डोंट रिमेंबर द वर्ड्स देन इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द बायोजेनेटिक लॉ। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड दीज आर द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन। एक था हमारा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, और आज हमने किया है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस।